नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ईएमजी यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफ के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोमायोग्राफ के बारे में जानने से पहले हम तीन तरह की मसल्स के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि फर्स्ट मसल्स है कार्डियक मसल्स, जो कि सिर्फ हार्ट के यानी कि कार्डियक के अराउंड मिलती है। सेकंड है स्केल्टन मसल्स। स्केल्टन मसल्स स्केल्टन के जो स्ट्रक्चर को बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए मसल सेल्स काम आती हैं। थर्ड है स्मूथ मसल सेल्स, जो कि ऑर्गन्स के अराउंड पाई जाती हैं। तो अब हम इलेक्ट्रोमायोग्राफ के बारे में जानते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफ यानी कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ मायो यानी मसल्स की, उसको ग्राफ वेव फॉर्म में देखना या सुनना इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाता है। इज द टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ मसल्स। उसकी मसल्स की रिकॉर्डिंग करना है, उसके क्षमता कितनी है मसल्स में, उसके रिकॉर्डिंग करने को इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। सो ईएमजी डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। द रिकॉर्ड ऑब्टेन इज नोन हैज इलेक्ट्रोमायोग्राम। जो रिकॉर्ड ऑब्टेन हो गया है उसको इलेक्ट्रोमायोग्राम कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल सेल्स वेन दे आर एक्टिव एंड एट रेस्ट कैन बी एनालाइज यूजिंग एन ईएमजी। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मसल्स की रेस्टिंग में होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, उसको एनालाइज करता है एग्जामिनर। द मेजरेंट ईएमजी पोटेंशियल रेंज जो है 50 म्यू वोट्स से 30 मिली वोट्स तक इसकी क्षमता होती है एक इलेक्ट्रिकल मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापने की। मेनली दो प्रकार की ईएमजी मेजरमेंट होती हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ यूजिंग सरफेस इलेक्ट्रोड एंड द सेकेंड वन इज़ यूजिंग नीडल इलेक्ट्रोड। सरफेस इलेक्ट्रोड आर यूज टू मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स जनरली। सरफेस इलेक्ट्रोड जनरली सरफेस की मसल्स की एक्टिविटी को मापने के लिए यूज होती है। सेकेंड है नीडल इलेक्ट्रोड। नीडल इलेक्ट्रोड आर यूज इन टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ओनली फ्यू फाइबर। जब कहीं सटीक जगह पर उस मांसपेशियों के फाइबर की जानकारी लेनी हो तो नीडल इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है मसल्स फाइबर की, वो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट ही एग्जामिन कर पाते हैं। द एबनॉर्मल एक्टिविटी इंडिकेट द सम दैट सम नर्व और मसल सेल्स आर डैमेज। जब एबनॉर्मल एक्टिविटी एग्जामिन डिटरमाइन करता है तो वो सेल्स या नर्व्स डैमेज होते हैं। एट ए टाइम पोटेंशियल फ्रॉम डिफरेंट इलेक्ट्रोड आर टेकन। एक समय में बहुत से इलेक्ट्रोड से जो क्षमता है वो मसल्स की वो मापी जाती है। सो द नीडल इलेक्ट्रोड्स हैव टू बी प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट ईएमजी। तो एक समय में बहुत ही अलग अलग जगह पर बॉडी में नीडल इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है, जिससे एक एक्यूरेट ईएमजी क्रिएट हो पाती है। सरफेस इलेक्ट्रोड्स ऑब्टेन द जनरल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स सेल्स वी यूज सरफेस इलेक्ट्रोड। जब कोई जनरल एक्टिविटी मसल्स की देखनी हो तो सरफेस इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। विच नीड टू बी प्लेस्ड ओनली ऑन द कंसर्न्ड एरिया। जिस एरिया मसल्स की एक्टिविटी देखनी है या जिसमें प्रॉब्लम हो लग रही हो तो उस जगह पर सरफेस इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके उसकी ईएमजी से मापी जा सकती है उसकी मसल्स की क्षमता। नो इंजेक्शन इंजेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। सरफेस इलेक्ट्रोड है तो कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। दिस टेक्निक इज़ मैनी एप्लीकेशन सच एज इन ए फिजियोथेरेपी क्लिनिक। फिजियोथेरेपी क्लिनिक में भी इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं पेशेंट के को देखने के लिए उसकी एक्टिवेट मसल्स को। सो व्हेन द मोटर न्यूरोन और मसल्स फाइबर इज स्टिमुलेटेड। जब न्यूरोन की जो उत्तेजना होती है तो कार्रवाई की क्षमता में पूरी मांसपेशियाँ संचालित होती हैं, तो इससे जुड़े हुए जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ तक पहुँचाई जाती है। ट्रांसमिट अक्रॉस द मसल्स इज पास टू द कनेक्टेड नर्व फाइबर्स। ई एम जी आर इवेल्युएटिंग दिस बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम डिफरेंट सेल्स। जो ई एम जी है वो देखती है, इवेल्युएट करती है बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की क्षमता से अलग अलग सेल्स या फाइबर्स की।
पोटेंशियल कलेक्टिवली कॉल्ड मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल जो कलेक्ट किया है वो कलेक्ट करता है MUAP यानी कि मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल। EMG सिग्नल आर मेड अप ऑफ MUAPS सुप्रीम पोज्ड, एडिशन करता है सुप्रीम पोज यानी कि एडिशन करता है उस इमेज में वेव फॉर्म में अच्छे से विजुलाइज करने के लिए। द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोमायोग्राम इज अफेक्टेड बाय फैक्टर सच हैज नंबर ऑफ मसल्स, जो इलेक्ट्रोमायोग्राम को अफेक्ट करने वाले कुछ मसल्स फाइबर, अगर कहीं पर ज़्यादा मसल्स फाइबर हैं तो उस वजह से इलेक्ट्रोमायोग्राम फैक्टर अफेक्ट होते हैं, या फिर मसल्स फाइबर पर अधिक फैट होता है तो उस वजह से जो रेसिस्टेंस है फैट के कारण वो बन जाता है। तो अब हम देखेंगे EMG मशीन ब्लॉक डायग्राम। पेशेंट EMG इलेक्ट्रोड्स, बायो इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर, EMG रिकॉर्डर, ऑक्सीलोस्कोप, AF एम्पलीफायर। फर्स्ट इज EMG इलेक्ट्रोड। EMG इलेक्ट्रोड टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, सरफेस एंड निडल, डिपेंड करता है एरिया पर, किस जगह पर हमें मेजरमेंट चाहिए। जब हमें एक निश्चित मसल सेल पर, एक इंडिविजुअल मसल सेल पर जब उसकी इंफॉर्मेशन या फिर मेजरमेंट करनी होती है तो हम निडल इलेक्ट्रोड को सही मानते हैं, तो निडल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। सेकंड है बायो इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर। बायो इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर जो है एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रोड्स के द्वारा आए हुए सिग्नल्स को एक रेस्ट स्टेज में, जो है जो पेशेंट है उसकी जो साउंड को जो क्रिएट करता है EMG रिकॉर्डर पर, वो AF एम्पलीफायर करता है, जिससे फिजिशियन या एग्जामिनर उसको देखकर एग्जामिन कर पाता है कि एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है। वो ऑडियो एम्पलीफायर द्वारा क्रिएट किए हुए ऑडियो से सुनकर उस एक सटीक आवाज़ को पहचान पाता है। अब है ऑक्सीलोस्कोप। ऑक्सीलोस्कोप जो है कलेक्ट करता है, कनेक्टेड होता है EMG से, जो कि EMG को देखने के लिए, एक डिजिटल फॉर्म में देखने के लिए ऑक्सीलोस्कोप का प्रयोग होता है। ये ऑक्सीलोस्कोप डिजिटल स्टोरेज ऑक्सीलोस्कोप होता है, जो कि फ्यूचर एनालिसिस के लिए रिकॉर्ड करता रहता है। अब है EMG रिकॉर्डर। ECG या EMG में हम लो स्पीड चार्ट पर रिकॉर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत ही कम लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसी कारण जो चार्ट पेपर है EMG में वो बहुत ही कम यूज़ होता है, इसीलिए उसमें फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग होती है। फॉर लाइट सेंसिटिव पेपर, लाइट सेंसिटिव पेपर पर मूव्ड करता रहता है रिकॉर्डिंग CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। जो नॉर्मल EMG की रेंज होती है वो 60 से 70 हर्ट्ज तक होती है। द शेप ऑफ द वेव फॉर्म मे वेरी बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम विच EMG इज टेकन। ये वेरी करती रहती है कि कौन से पार्ट से बॉडी की EMG ली गई है, उसकी वेव फॉर्म भी डिफरेंट होती है हर पार्ट पर। ड्यू टू द लो फ्रिक्वेंसी लिमिटेशन EMG कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। कम फ्रिक्वेंसी होने के कारण EMG में रिकॉर्ड नहीं हो पाती चार्ट रिकॉर्डर पर, क्योंकि इट कैन नॉट गिव ए क्लियर आइडिया ऑफ द वे फॉर्म, क्योंकि ये एक क्लियर आइडिया नहीं दे पाता। एग्जामिनर एग्जामिन करते समय ही उस ऑडियो को निकलने वाली मसल से सुनता है और उसी से एक्टिविटी को देखकर बताता है कि कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है। तो अब है एप्लीकेशंस यूज टू डायग्नोज टू मेन कैटेगरिया। ये हम अक्सर दो मेन जांचने के लिए करते हैं। फर्स्ट है न्यूरोपैथी एंड सेकेंड मायोपैथी। न्यूरोपैथी से मतलब है कि हाथ या पैर में कोई लगातार दर्द हो रहा हो न्यूरॉन्स की वजह से, तो उससे हम EMG की मदद से पता करते हैं। सेकेंड इज़ मायोपैथी। कोई इन्फेक्शन हो, मसल्स की इंजरी हो मेडिसिन की वजह से, तो अगर मसल्स का फंक्शन अच्छे से ना हो पाया हो तो उसको मायोपैथी कहते हैं। EMG इज़ यूटिलाइज्ड हैज़ ए डायग्नोस्टिक फॉर डिटेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर डिसीज़। EMG है वो बनाया हुआ है जांचने के लिए न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ के बारे में।
उसमें पैरालिसिस यानी न्यूरॉन सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, डिपेंड करता है लोकेशन और उसके नेचर पर और प्रॉब्लम पर। थर्ड है ईएमजी कैन बी साइलेंट स्पीच विच इन आइडेंटिफाइंग बाय एग्जामिन द ईएमजी एक्टिविटी ऑफ मसल्स रिलेटेड विद स्पीच। ईएमजी जो है एक साइलेंट स्पीच आइडेंटिफाई करेगा जो कि एग्जामिनर ही उस एक्टिविटी मसल्स की एक्टिविटी को पहचान पाता है। तो अब है ईएमजी इलेक्ट्रोड्स। बेसिकली दो टाइप की इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़ी थी, सरफेस इलेक्ट्रोड और इंसर्टेड इलेक्ट्रोड। हम अब उन इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सरफेस, प्रोवाइड ए नॉन इन्वेसिव टेक्निक, इससे कोई खतरा नहीं है फॉर मेजरमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ सिग्नल। सिग्नल्स के डिटेक्शन के लिए इस टेक्निक से, सरफेस इलेक्ट्रोड से कोई खतरा नहीं है। इसके पीछे थ्योरी जो सरफेस इलेक्ट्रोड को से नापने की थ्योरी है, जब व्हेन वोल्टेज अप्लाई टू द इलेक्ट्रोड, जब वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं सरफेस इलेक्ट्रोड पर, तो उस पर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लगा होता है। उसमें आयंस की इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट होती है जिसके कारण केमिकल इक्विलिब्रियम होता है सरफेस ऑफ जहाँ पर हम डिटेक्ट कर रहे हैं वहाँ और स्किन के बीच में, इलेक्ट्रोड पर और स्किन के बीच में एक केमिकल इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट के कारण। तो इस वजह से करंट का फ्लो जो है इलेक्ट्रोड्स पर होता है और ईएमजी पर उसकी जो सिग्नल्स हैं, एक्टिविटी है मसल्स की, वो क्रिएट होकर एग्जामिनर एग्जामिन कर पाता है, सुन पाता है एक सटीक आवाज़ को। अब है इंसर्टेड इलेक्ट्रोड। इसके दो प्रकार हैं, निडल और फाइन इलेक्ट्रोड। अब है निडल इलेक्ट्रोड। निडल इलेक्ट्रोड से जो मसल्स की एक्टिविटी है वो ट्रांसफ़र होती है ईएमजी पर से वायर के जरिए, न्यूरॉन्स में हीट पैदा होती है। कॉन्सेंट्रिक निडल इलेक्ट्रोड की सिग्नल क्वालिटी होती है वो बाकी निडल इलेक्ट्रोड से बेहतर होती है। निडल इलेक्ट्रोड कम एरिया में इंडिविजुअली मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए सहायक है। अब है फाइन वायर्स इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम, सिल्वर, निकल के बने होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स बहुत ही थिन वायर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक निडल इलेक्ट्रोड से बहुत ही थिन होते हैं, इसीलिए इनका इम्प्लांटेशन पेशेंट के अंदर करना बहुत ही आसान होता है, इजीली इम्प्लांटेड हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड निडल इलेक्ट्रोड यानी कॉन्सेंट्रिक निडल इलेक्ट्रोड से कम पेनफुल होते हैं, ईसीजी की तरह हैं। इन इलेक्ट्रोड्स की कोई एक प्लेसमेंट नहीं होती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफ।